गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने केमिस्ट्री की कक्षाएं स्टार्ट की थी। उसमें हमने बिलियन चैप्टर को 3 लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान का एक चैप्टर, जिसे बहुत से क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं और इस चैप्टर का बहुत वेटेज है। जीव विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज इसी यूनिट का है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाला चैप्टर। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा गया है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 20 में, 21 में, 22 में। तो मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछा गया है। चाहे वो पूछा गया हो इस क्वेश्चन के रूप में कि मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, या इस क्वेश्चन के रूप में कि प्रभाविता का नियम क्या है उसको बताइए, या इस नियम के रूप में पूछा गया हो कि कारकों का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम लिखिए, या फिर इस क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, या फिर पूछा गया है कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, या फिर पूछा गया है कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं। तो फिर बच्चों चलिए हम देखते हैं कि मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी वाले प्रश्न के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो बच्चों जो मेंडल का वंशागति का नियम था, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण को क्या कहते हैं बच्चों, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और द्विसंकर संकरण को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों मेंडल ने अपने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। तो बच्चों मेंडल का आनुवंशिकता का नियम क्या है, बच्चों हम इस डेफिनेशन को इतने अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको यही तैयार हो जाएगा। बस आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुनिए। मेंडल ने अपने एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। तो मेंडल ने अपने एक संकर संकरण से दो नियम निकाला था। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम जो निकाला था वो है कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये दोनों नियम मेंडल के एक संकर संकरण से निकले थे। तो बच्चों प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों जब इसमें एक जोड़ा विप्रयासी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है, तो उनके संतानों में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है, जबकि दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता। उसे ही क्या कहते हैं हम, प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि उसमें से जो एक करेक्टर था वो डोमिनेंट हो गया और दूसरा क्या है, रेसेसिव हो गया, वो हमें दिखाई नहीं दिया, इसलिए से हम क्या कहते हैं, इसलिए से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसको हम बच्चों एक एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी हमने लिया, ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट टॉल है, इसका क्रॉस हमने करवाया स्मॉल टी प्लांट से, तो ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट ड्वार्फ है,
डॉर्फ है। तो बच्चों जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमें जो पौधे मिलेंगे, कैपिटल टी का क्रॉस कराओगे स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का कराओगे तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने पौधे मिलेंगे वो क्या होंगे, वो मिलेंगे कैसे, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिलेंगे। इसमें जो डॉर्फ का करेक्टर है स्मॉल टी का, वो करेक्टर स्मॉल टी का छुप गया है क्योंकि कैपिटल टी का करेक्टर डोमिनेंट हो गया है। इसलिए जो F1 जनरेशन में पौधे मिले वो सारे कैसे मिले, वो सारे हेट्रोजाइगस टॉल मिले। इसे ही हम बच्चों कहते हैं प्रभाविता का नियम। यही आपको बताया गया है कि जब एक जोड़ा विप्रयासी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में, ये दोनों शुद्ध जनक हैं, इनमें संकरण कराया जाता है तो उनके संतानों में केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है। तो उनकी संतान जो ये F1 जनरेशन की बन रही है बच्चों, इसमें केवल एक ही लक्षण परिलक्षित हो रहा है, कौन सा, टॉल। और दूसरा लक्षण जो ड्वार्फ वाला है वो व्यक्त नहीं हो पाता, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल दे के आपको जो बताए हैं, ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि टॉल प्लांट कैपिटल टी है, डॉर्फ प्लांट स्मॉल टी है। जब आप इसका क्रॉस कराओगे तो जो गैमेट्स बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सारे पौधे F1 जनरेशन में बनते हैं बच्चों, इसलिए इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फिर जब इसकी क्या करा देते हैं, हम सेल्फिंग करा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की, दूसरी कैपिटल टी स्मॉल टी की जब हम सेल्फिंग करा देते हैं, तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या होता है बच्चों, जो पौधे मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, कैपिटल टी का एक पौधा मिलेगा, दूसरा मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी के दो पौधे मिलेंगे, और तीसरा जो मिलेगा स्मॉल टी का, इसका एक पौधा मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि F2 जनरेशन में दोनों करेक्टर क्या हो गए, टॉल और डॉर्फ के अलग अलग हो गए, जबकि F1 जनरेशन में डॉर्फ वाला पौधा दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसलिए इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो बच्चों हम इसको देख लेते हैं कि कारकों का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो बच्चों जो सजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं, इनमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बच्चों विरोधी शुद्ध अनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। अभी हमने बताया था जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहते हैं, जबकि जो F2 जनरेशन है उसमें विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या है, पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं हो रहा है, युग्मक निर्माण के समय ये गुण क्या है, पृथक हो जा रहे हैं, जिससे युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने बताया था F1 जनरेशन में जो सारे पौधे मिले थे वो कैसे मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी के। तो हम इनकी क्या करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं F1 जनरेशन के पौधे की। तो देखिए आप, अगर कैपिटल टी क्रॉस करेंगे तो बनेगा कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी से स्मॉल टी से करेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी अगर क्रॉस करेगा तो बनेगा स्मॉल टी कैपिटल टी, और स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी बनेंगे।
तो बच्चों, ये F2 जनरेशन में हमें पौधे प्राप्त हुए हैं। इनमें से इसका करेक्टर कैसा है? इसका करेक्टर टॉल है, ये प्योर टॉल प्लांट है। ये दोनों कैसे हैं? ये हेट्रोजाइगस टॉल है। नेचर कैसा है इसका? फिनोटिपिकली ये तीनों टॉल हैं। जबकि ये वाला कैसा है? ये वाला ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। तो बच्चों, अगर इसमें फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाए, फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाए, तो वो कितना आएगा? वो आएगा 3:1, क्योंकि ये तीनों पौधे टॉल हैं। अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाए, तो ये आएगा कितना? एक पौधा शुद्ध टॉल है, 1, और दो हेट्रोजाइगस हैं, दो पौधे एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा 1:2। और लास्ट वाला पौधा कैसा है? रेसेसिव होमोजाइगस ड्वार्फ है, तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1। तो बच्चों, एक संकर संकरण में दो नियम होते हैं। पहला, F1 जनरेशन में हमको प्रभाविता का नियम मिलता है, और दूसरा F2 जनरेशन में दोनों कारक पृथक हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं युग्मक जो है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। जो F1 जनरेशन में ड्वार्फ पौधा नहीं दिख रहा था, वो भी F2 जनरेशन में दिखने लगता है। मतलब ये युग्मक के निर्माण के समय इनके गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए हम इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। बच्चों, अब हम बच्चों देखेंगे कि मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या है। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में एक संकर संकरण भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2020 और 22 दोनों में पूछा गया है। बच्चों, तो ये नियम जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये किस नियम पे आया था? मेंडल के द्विसंकर संकरण के बाद ये नियम निकला था, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चों, मेंडल ने जब दो विप्रयासी लक्षणों को ध्यान में रखकर जो एक संकर संकरण था, बच्चों उसमें मेंडल ने एक विप्रयासी लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया था, लेकिन जो द्विसंकर संकरण है उसमें मेंडल ने दो विप्रयासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया, जिसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो बच्चों, इस नियम के अनुसार जब दो विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो उनके लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम बच्चों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, या हम कहते हैं इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फ्री रिकॉम्बिनेशन। मतलब इनमें लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है बच्चों, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, इसमें बोला गया है दो विप्रयासी लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया गया है, तो इसमें हम बच्चों दो विप्रयासी लक्षण रहेंगे, राउंड येलो, राउंड येलो, ये क्या है? ये डोमिनेंट है। और हम दूसरा लेंगे कैसा? रिंकल्ड, रिंकल्ड ग्रीन, जिसे हम स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बच्चों इसका क्रॉस कराएंगे, तो हमें मिलेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये सारे पौधे हमको एक जैसे ही मिलेंगे क्रॉस कराने पर। ये पौधे हमको F1 जनरेशन में मिलेंगे, जैसा कि एक संकर संकरण में था कि F1 जनरेशन में जो पौधा मिला था वो टॉल मिला था, ड्वार्फ का करेक्टर छुप गया था। उसी तरीके से इसमें F1 जनरेशन में जो पौधा मिलेगा वो कैसा होगा? राउंड और येलो नेचर का होगा।
बच्चों हम कह सकते हैं F1 जनरेशन में जितने पौधे मिलेंगे 100% पौधे किस करेक्टर के होंगे, राउंड येलो होंगे। इसके बाद हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे। बच्चों सेल्फिंग कराने के बाद आपको अलग अलग करेक्टर सेग्रीगेट होके मिलेंगे। तो बच्चों इसमें अब हम द्विसंकर संकरण क्रॉस को देख लेते हैं डिटेल में। पहले हमने पेरेंट जनरेशन ली, इसमें हमने दो बीप्रयासी लक्षणों के बीच संकरण कराया। इसके लिए हमने लिया राउंड येलो पौधा, एक दूसरा लिया कैसा रिंकल्ड ग्रीन जो राउंड येलो पौधा है। वो बच्चों कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई का है, और रिंकल्ड ग्रीन वाला पौधा स्मॉल आर स्मॉल वाई का है। तो बच्चों जब हम इसमें संकरण या क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे मिलेंगे, सारे पौधे मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की। तो 100% जो पौधे होंगे F1 जनरेशन में वो हमको कैसे मिलेंगे, वो हमको राउंड येलो मिलेंगे, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था। अब इसके बाद की क्रॉसिंग हम देखते हैं। जब F1 जनरेशन में हमको सारे पौधे कैसे मिले, राउंड येलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की, तो इसको हम बच्चों अब एक संकर संकरण की तरह सेल्फिंग कराएंगे। F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे। F1 जनरेशन में हमको जो गैमेट्स मिला है वो दोनों मिला है कैसा, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनकी जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमको जो गैमेट्स मिलेंगे वो चार डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। जब हम कैपिटल आर की कैपिटल वाई से क्रॉस कराएंगे बच्चों तो हमें गैमेट्स मिलेगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई का। चूंकि हम इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं इसमें दोनों गैमेट्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं, इसलिए इसमें हमें चार डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। इसके बाद जब हम क्या कराएंगे, कैपिटल आर की स्मॉल वाई से कराएंगे क्रॉस तो हमें गैमेट्स मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई की। इसी तरीके से अब हम बच्चों स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई से तो हमें गैमेट्स मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। और जब हम स्मॉल आर की स्मॉल वाई से क्रॉस कराएंगे तो हमें गैमेट्स मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई का। तो इस तरीके से बच्चों हमको सेल्फिंग कराने पर हमको चार डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। अब ये चारों डिफरेंट टाइप के गैमेट्स एक दूसरे से फिर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो बच्चों जब कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस करेगा किससे, कैपिटल वाई के साथ, तो जो गैमेट्स बनेगा वो कैसा बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई का। इसी तरीके से बच्चों जब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस करेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई से तो जो गैमेट्स बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई का। फिर जब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस करेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई से तो जो गैमेट्स बनेगा वो कैसा बनेगा, आप लोग देखिए, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का। फिर जब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस करेगा बच्चों स्मॉल आर स्मॉल वाई से तो गैमेट्स जो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। तो बच्चों इसी तरीके से ये दूसरा गैमेट्स इन चारों से क्रॉस करेगा, इसी तरीके से ये तीसरा गैमेट्स इन चारों से क्रॉस करेगा, इसी तरीके से ये चौथा गैमेट्स भी इन चारों से क्रॉस करेगा। तो बच्चों इस तरीके से जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको टोटल कितने गैमेट्स मिल रहे हैं, आपको टोटल 16 गैमेट्स मिल रहे हैं, जिसमें से ये आप देख रहे होंगे 9 का नेचर कैसा है, 9 का नेचर राउंड येलो है, जैसा हमने पौधा लिया था पेरेंट जनरेशन में। 9 पौधे वैसे हैं पेरेंट जनरेशन की तरह। और 3 पौधे कैसे हैं बच्चों, 3 पौधे राउंड ग्रीन हैं। और 3 पौधे कैसे हैं, रिंकल्ड येलो हैं।
और एक पौधा कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन, ये वाला पौधा जो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई का है, ये रिंकल्ड ग्रीन का है। ये पौधा केवल एक ही है बच्चों, ये वाला और ये वाला, ये तीन पौधे कैसे हैं, ये रिंकल्ड येलो हैं। ये कैसे हैं, रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो वाले पौधे हैं। ये तीन पौधे बच्चों कैसे हैं, ये तीन पौधे कैसे हैं, ये तीन पौधे जो हैं ये राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन है। और ये एक पौधा कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। बाकी जो बचे पौधे हैं बच्चों, ये बचे वाले पौधे जितने भी हैं, 9 नंबर है इनका, ये सब कैसे हैं, राउंड येलो हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है, 15 में भी आया है, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है और 22 में आया है। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो बच्चों अब हम इसका आंसर देखते हैं कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बाईसेक्सुअल या हर्माप्रोडाइट, हर्माप्रोडाइट। तथा कैसे होते हैं, एक लिंगी, जिन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो बच्चों जो एक लिंगी जीव होते हैं उसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में होते हैं, जबकि जो द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं उसमें नर और मादा जनन अंग एक ही जंतुओं में होते हैं, वो अलग अलग जंतु में नहीं होते, इसलिए उन्हें उभयलिंगी या बाईसेक्सुअल कहते हैं। जबकि एक लिंगी जीवों में नर और मादा जनन अंग बच्चों अलग अलग जंतुओं में होते हैं। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में भी अंतर होता है, इसलिए हम इसे लिंग भेद या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इनकी शारीरिक संरचना में भी अंतर होता है। बच्चों जो एक लिंगी जीव हैं उनमें लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैकलंग ने लिंग निर्धारण गुणसूत्रवाद प्रतिपादित किया था। तो बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद किसने प्रतिपादित किया था। तो मैकलंग ने प्रतिपादित किया था बच्चों। इनके अनुसार लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है, गुणसूत्रों पर। इनकी वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है। तो बच्चों अब हम लिंग निर्धारण या गुणसूत्र का सिद्धांत देख लेते हैं, ये क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक गुणसूत्र बच्चों समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम होता है, दूसरा लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो बच्चों मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक समजात गुणसूत्र होता है जिसे ऑटोसोम कहते हैं, दूसरा लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम होता है। बच्चों सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जिसे हम 2x से प्रेजेंट करते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ये जो लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। स्त्रियों में बच्चों क्या होता है, दोनों लैंगिक गुणसूत्र समान होते हैं, समान होने का मतलब दोनों एक्स एक्स होते हैं। जबकि पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो असमान होता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है, जबकि लड़कियों में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। इसलिए युग्मक में क्या होता है, केवल, जबकि युग्मक में बच्चों केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है, इसलिए जो गुणसूत्रों की भिन्नता है वही लिंग निर्धारण करती है। तो बच्चों लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, पुरुष जिम्मेदार होता है,
की जो स्त्रियां हैं उसमें गुणसूत्र समान होता है, उनमें एक्स एक्स होता है। अभी हमने बताया लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही लिंग निर्धारण करता है, इसलिए पुरुष ही लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि। बच्चों क्या होता है, सभी में दो गुणसूत्र होते हैं, एक समजात गुणसूत्र जिसे ऑटोसोम कहते हैं, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम होता है। तो जो ऑटोसोम होते हैं वो सभी में उनकी संख्या निश्चित होती है। तो हम फीमेल में मान लेते हैं, अभी हमने बताया इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, इसे हम 2x से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं ऑटोसोम क्या है, 2x, x से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए हम 2a लिख लेते हैं, क्योंकि उनकी संख्या निश्चित होती है ऑटोसोम की सभी जीवों में। प्लस फीमेल है तो फीमेल में क्या होता है बच्चों, जो लैंगिक गुणसूत्र समान होते हैं एक्स एक्स होता है। ये क्या है बच्चों, ये एक फीमेल है। जबकि मेल में क्या होता है, ऑटोसोम या समजात गुणसूत्र सेम होते हैं, जबकि जो लैंगिक गुणसूत्र होता है उनके असमान होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ये क्या है बच्चों, ये मेल है। तो बच्चों इससे जो गैमेट्स बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस एक्स, दूसरा भी क्या बनेगा, ए प्लस एक्स, जबकि जो मेल होगा उसमें बनेगा ए प्लस एक्स और दूसरा बनेगा ए प्लस वाई। ये गैमेट्स बनेंगे मेल और फीमेल में अलग अलग। अब क्या होगा बच्चों, फीमेल में ओबम होती है और मेल में स्पर्म होता है। अब फीमेल का ओबा तो एक्स ही होगा क्योंकि इसका जो लैंगिक गुणसूत्र है वो समान है, जबकि मेल का स्पर्म वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। इसलिए बच्चों अगर ये एक्स वाला जो ओबम है फीमेल का, अगर वो किसी स्पर्म से मिला जिसमें क्या है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो बनने वाली संतान क्या होगी, बनने वाली संतान एक्स एक्स होगी, जो एक लड़की होगी। अगर ये एक्स ओवा जो फीमेल का है वो किससे मिला, वो किसी ऐसे स्पर्म से मिला बच्चों जो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, तो जो बनने वाली संतान होगी उसका गुणसूत्र क्या होगा बच्चों, एक्स वाई। तो ये बनने वाली संतान क्या होगी, ये लड़का होगा, क्योंकि जो मेल है वो क्या है, उसका सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, वो एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल का ओबा केवल एक्स ही होता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि ओबा जिससे मिल रहा है वो स्पर्म क्या कैरी कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है या वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। यदि बच्चों कैरी करने वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करेगा तो बनने वाली संतान लड़की होगी, अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी करेगा बच्चों तो बनने वाला संतान जो है वो लड़का होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने दो क्वेश्चन किया, ये दोनों क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे गए हैं, चाहे मेंडल का एक संकर संकरण के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, या पूछा गया है मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है, या पूछा गया है कि मेंडल का पृथक्करण का नियम बताओ, या गैमेटों की शुद्धता का नियम बताओ, या मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम बताओ, या मेंडल के द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हो। तो ये क्वेश्चन हर ईयर अलग अलग तरीके से पूछा गया है। और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, तो ये क्वेश्चन भी बच्चों हर साल आया है। बच्चों यदि इन दोनों क्वेश्चन में आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।